बड़े फिल्म प्रोडक्शन स्टूडियो के बॉस, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मिस्टर भूषण कुमार. वेलकम सर, वेलकम. एंड नाउ समवन हु इज सुपर सुपर हम्बल, जितनी बार भी मुलाकात कर लो, ही इज सुपर हम्बल, ऑलवेज स्माइलिंग. एंड यस, उनको पता है ऑडियंस की नब्ज कैसे पकड़नी है. गिव इट अप फॉर प्रोड्यूसर साहब मुराद खेतानी. Before we ask them the questions, जो कि मैंने लिख के रखे हैं, मैं तैयार हूँ. I'll give you all a मौका, a quick photo op. Go click click click, जल्दी से, mics भी नहीं है, अभी कर लो, फिर आता हूँ वापस. जी जी जी. Thank you so much. Can we have the mics, please? Ji, aa jaiye. Shukriya. Kartik, सबसे पहला सवाल ही मेरा आपके लिए है, और वो ये है कि यहाँ लोगों का भूत उतारते नजर आ रहे हैं आप, है ना? लेकिन रियल लाइफ में जो रू बाबा का ये भूत दुनिया पे चढ़ा है, जिसका सबूत यहाँ पे थिएटर के बाहर एनीवेयर एंड एवरीवेयर देखने को मिल रहा है, उसका क्या बाबा? उसका क्या करोगे? उसका क्या एंजॉय करूंगा, है ना? उसको क्यों भगाऊंगा? उसको नहीं भगाऊंगा, यहाँ लोगों के सरों पे चढ़ रहा है ना. 100%. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबको थैंक यू कहना चाहूंगा, सब लोग जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं, यहाँ पे सब लोग आए हैं हमारा ट्रेलर देखने के लिए. थैंकफुली टाइम बहुत अच्छा हो रहा है कि जिस टाइम हम लोग काफ़ी टाइम बाद हम शायद से इतना बड़ा इवेंट एक कर रहे हैं. Seriously? ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं. सो थैंक यू ऑल फॉर कमिंग हियर. एंड ऑफकोर्स जिस तरीके से आपने तालियां बजाई, हंसे हमारे साथ और डरे भी, आई थिंक ये बहुत वैलिडेशन होता है जो हमें चाहिए होता है, और वो वैलिडेशन आप लोगों ने दिया, तो थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर दिस. थैंक यू सो मच. वेरी गुड, वेरी गुड. जोश ऐसे ही चलते रहना चाहिए. कि यार दिस वन्स फॉर यू. यू नो अगर मैं बोलूँ यू आर द लकी चार्म ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इस वक्त, तो गलत नहीं होगा, और इंडस्ट्री को इस समय चाहिए भी एक लकी चार्म वैसे, ये भी असली बात है. तो यहाँ पे इतनी सारी फिल्म्स जो आपने दी हैं, कबीर सिंह हो, शेर शाह हो, गुड न्यूज़ हो, तो व्हाट डू यू हैव टू से? मतलब खुद कैसा लग रहा है अब ये भूल भुलैया 2 अभी से ब्लॉकबस्टर डिक्लेयर हो गई है? ऑनेस्टली फर्स्टली जैसे कार्तिक ने कहा, थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर टुडे. बहुत अच्छा लग रहा है एक साथ यहाँ पे. आई थिंक दिस क्लैप इज फॉर यू ऑल ओनली फॉर बीइंग हियर. हमारे लिए आई थिंक ऑनेस्टली इज वेरी स्पेशल फॉर मी, बिकॉज दिस एंटायर टीम, मुराद सर, भूषण सर, माई सेल्फ, वीव गिवन अ बिग ब्लॉक बस्टर कबीर सिंह बिफोर. सो आई फील वी आर कमिंग बैक. द एनर्जीज आर लवली एंड दिस इज वेरी स्पेशल, क्योंकि ये फिल्म 3 साल से हम शूट कर रहे हैं. So I know how close it is to Anees sir, to all of us, to Kartik, to each one of us, Mannu, our DOP, everyone sitting here. It's like 3 saal ke liye we've been sitting, waiting to show you all this film, working very hard to make it what it is. So bas abhi 20th May ko pata chalega if y'all have enjoyed it as much as we have. Thank you. Dikh raha hai yahan pe, josh dikh raha hai. Rajpal sir, I have a question for you. Kai dashakon se logon ke dilon mein jo jagah aapne banayi hai, किंग ऑफ फैमिली एंटरटेनर वहाँ खड़े हैं, तो सर आप भी मतलब फैमिली एंटरटेनमेंट में एक के बाद एक पायदान चढ़ते जा रहे हैं. हाउ डू यू रीइन्वेंट योरसेल्फ सर? क्या उसके पीछे एक सीक्रेट है, प्लीज बता दो. सर एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज बिगनिंग डे. मुझे लगता है मेरा जन्म हुआ है अभी. बस देखो, दैट्स व्हाई ही इज द राजपाल यादव, लेडीज एंड जेंटलमैन. ऑफ कोर्स सर, बहुत बहुत कमाल की बात आपने बोली. अनीस सर, दिस वन्स फॉर यू. प्लीज मुझे बताइए कि इट्स अ फ्रेंचाइज जिसको आगे लेके जा रहे हैं, एंड यू've कंप्लीटली ओन्ड इट. मतलब इतनी बज हमने किसी और चीज के लिए नहीं देखी है. जिस दिन से ये अनाउंस हुई थी फिल्म, उस दिन से लेके अब तक, एंड आई एम श्योर टी सीरीज के साथ ये और आगे तक बस चलने ही वाली है. व्हाट डू यू हैव टू से टू ऑल दिस लव दैट यू आर गेटिंग? हाय एवरीवन, हाय हाय हाय. थैंक यू दोस्तों, ये जो फिल्म है ये बहुत ही स्पेशल, बहुत ख़ास फिल्म है, इसलिए कि आप लोगों ने देखा होगा जो पहली फिल्म थी हमारी अपना भूल भुलैया, उसमें आप लोगों ने और जो ऑडियंस ने इतना प्यार दिया उस पिक्चर को. तो इसको जब इन्होंने मुझे बताया, भूषण जी ने और अपना
मुराद भाई ने कि ये फिल्म, तो वो नेचुरली एक टेंशन तो होती है एज अ राइटर डायरेक्टर आपको कि क्या है, लेकिन इट वाज अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट थी और हम लोगों ने इस बात का ख्याल रखा था कि भाई ये पहली फिल्म जो है वो बहुत बड़े डायरेक्टर थे हमारे प्रियदर्शन जी, अक्षय, बहुत अच्छा इन लोगों ने काम किया था, तो उससे ये सेकेंड फिल्म बनाने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि एकदम एग्जैक्टली वैसी नहीं हो, और अगर बिल्कुल वैसे नहीं हो तो लोगों को लगता है कि ऐसी क्यों नहीं है, तो वो एक बहुत ही बिल्कुल थिन लाइन होती है कि आपको एक फिल्म वो बनानी है जो पहली फिल्म की एक थोड़ी सी याद दिलाए, झलक दिखाए, लेकिन बिल्कुल वैसी नहीं हो, तो ये एक कोशिश की है एंड आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी, आप लोगों की दुआएं चाहिए, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर, एंड एज आई सेड और ये पब्लिक के हिसाब से ही बोल रहा हूँ, यू हैव कंप्लीटली ओन्ड इट एंड दैट्स द बिगेस्ट थिंग सर राइट नाउ। भूषण सर, ब्लॉकबस्टर में बीबी होता है सर, यहाँ भी बीबी है ही, है ना, आपके नाम की शुरुआत भी उससे ही हो रही है सर, प्लीज मुझे बताएं, लोग अनाउंस करते हैं फिल्में और उसके बाद वो आती हैं नहीं आती, क्या होता है क्या नहीं, यहाँ पे एक बार आपने कमिट कर दिया वो फिल्म आती है और फिर सबके दिलों में रह जाती है एंड विद दिस यही होने वाला है, व्हाट्स दैट वन थिंग जो सबसे ज्यादा एक्साइट कर रही है आपको भूल भुलैया 2 के बारे में? सी, दिस इज अ वेरी स्पेशल फिल्म फॉर मी, क्योंकि ये 15 साल पहले दिस वॉज हमारी पहली फ्रेंचाइज थी जो बिग वे में हमने उस टाइम पे अपना रिलीज करी थी और बनाई थी, तो इस फिल्म को लेके मतलब इतने साल जब काफ़ी लोग अपनी सीक्वल्स वगैरह बना रहे थे कि हर बंदा अपनी कोई ना कोई सीक्वल को आगे लेके जा रहा था, तो वी थॉट के हमें इस फ्रेंचाइज को आगे लेके जाना चाहिए एंड व्हेन दिस हॉरर कॉमेडी जॉनर वॉज गोइंग अहेड, बहुत लोग इस जॉनर को देखना शुरू कर रहे थे, तो तब लोगों ने मुझे आके बताया कि मीन्स के यू हैव द फर्स्ट हॉरर कॉमेडी इन योर किटी एंड दैट्स भूल भुलैया एंड दैट स्टिल डू सो वेल इन सैटेलाइट एंड डिजिटल एंड ऑल्सो यू मस्ट मेक दैट। सो बहुत एक स्पेशल इस फ्रेंचाइज को लेके मेरे दिल में और हमारी कंपनी में हमेशा से एक जगह रही है एंड वी आर वेरी हैप्पी द वे अनीस भाई हैज़ डायरेक्टेड द फिल्म एंड जिस तरीके से कियारा ने कार्तिक में इसमें काम किया है and it's very very nice and I hope everybody of you will enjoy the whole film, thank you, we're going to enjoy the whole film, sahi hai jawab mil raha hai, badhiya hai, okay Murad sir this one's for you, please bataye jab se teaser aaya hai jaise maine kaha bahut sara josh hai, people are saying ki ek kaam karo aap trailer mat dikhao sir, picture release kar do sir, what do you have to say on that, the buzz that the movie has created from day one sir? Tension bada diye logon ne aur pehle hi bulbule hai, jab मेरे पास ये स्क्रिप्ट आई थी मैंने भूषण जी से शेयर की थी कि मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जो हम इसको भूल भुलैया 2 कर सकते हैं, हाँ। तो जब मैंने भूषण जी से कहा था कि ये मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जिसको हम भूल भुलैया 2 बना सकते हैं जी, और भूषण जी ने स्क्रिप्ट सुन के ही हाँ बोल दिया था जी, तो भूल भुलैया 2 बनाना ऐसी एक कोई जैसा इतनी सक्सेसफुल फिल्म का फ्रेंचाइज बनाना राइट ऐसी एक टेंशन वाला काम होता है और जैसा टीजर से रेस्पॉन्स मिला उसके बाद और बढ़ गई है ना, बट हम लोग कॉन्फिडेंट है, होपफुली आप सबको पसंद आएगी सर, इस केस में ऑडियंस कॉन्फिडेंट है सर कि ये आग लगाने वाली है, सो यस लेडीज एंड जेंटलमैन द एंटायर कमाल का कास्ट एंड क्रू ऑफ द मूवी भूल भुलैया 2 एंड नाउ इट्स ओवर टू द वंडरफुल फ्रेंड्स हमारे मीडिया से, और पहला क्वेश्चन लेफ्ट से आ रहा है, हो जाए ये सर, मीडिया पूछे सर, मैं परमिशन चाहूंगा सर प्लीज, क्योंकि इस फिल्म से एक टी सीरीज के साथ जो हमारा पारिवारिक रिश्ता है, हाय कार्तिक, हिमेश दिस साइड टुवर्ड्स योर लेफ्ट इधर, हाँ हाय हिमेश, हाय, फर्स्टली कांग्रेचुलेशंस टू योर टीम ऑन द ट्रेलर, थैंक यू, माय क्वेश्चन टू इज कार्तिक, दिस इज योर फर्स्ट थिएट्रिकल रिलीज आई थिंक आफ्टर 2 इयर्स, how excited are you on that front to you know get back to the box office and get the numbers rolling, because it's as commercial as it gets, bahut excited hu, matlab aisa man karta hai parda phad ke bahar aa jaun, seriously bahut bahut zyada excitement hai kyunki theaters ka jo ek kya bolte hai ek experience hota hai, community viewing ka jo ek maza hota hai uski baat hi alag hai, to bhool bhulaiya 2 hame wo ek mauka de rahi hai और पर्सनली मुझे भी एज एन एक्टर वापस से वो चीज़ करना है, ये सब प्रमोशनल इवेंट्स करना, आप सबसे मिलना,
फिल्म के बारे में बात करना, फिल्म की चीज़ें दिखाना, सो वो एक एक्साइटमेंट रहता है और रिलीज तक एक एक्साइटमेंट रहता है, फिर बॉक्स ऑफिस क्या हो रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, तो यू लव दैट एक्सपीरियंस. तो आई थिंक वो वापस से चालू हुआ एंड आई एम रियली गोइंग फॉर इट एंड मतलब बहुत चीज़ें करने वाले हैं अभी हम. And Murad sir and Anees bhai, one question for you. Murad bhai, you said that you came across this script and thought of making it into Bhul Bhulaiya. What was the idea behind this and how easy, difficult was it to convince Anees Bazmi to direct a horror comedy? Because it's a first for him. It was not that hard because Anees bhai, see, he has done most of the films were comedy. But he is a very versatile director. He can do any genre. You give him a thriller, he has done Divangi and all also. So you give him any good script, he will do. So we knew that. Hi. Thank you. KK ka kamal, acha. I'm sure Kiara has a story. स्मार्ट और मैं विश्वास नहीं करती हूँ बट जब हम शूट कर रहे थे कार्तिक और अनीस सर ने काफ़ी प्रैंक्स किए मेरे पे. आई थिंक यू ऑल शुड टेल दिस स्टोरी. तो जब भी हम शूट करते हैं, अगर किसी हवेली पे शूट हो रहा है तो देयर इज ऑलवेज सम स्टोरी कनेक्टेड विद इट. यहाँ पे किसी का somebody has died, it's not been open for 20 years, 50 years वगैरह वगैरह. तो उसका फ़ायदा तो इनको लेना ही था. तो आप बताइए. हवेली का फायदा. Can you please rephrase? Yeah. We were shooting. It was 3 o'clock at night. बस रहने दे. It's a horror comedy. हाँ तो बस कहानी वहीं पे थी. बस इतनी कहानी थी. वहाँ बहुत अंधेरा हो रहा था. बहुत सुनसान था. अनीस भाई और कुछ आइडिया? अनीस भाई ने इन्होंने आइडिया दिया. भूत मतलब मम्मी क्या बिलीव करते मुझे कभी कभी भगवान पे विश्वास करता हूँ जरूर. तो आई थिंक एनर्जीज होती है. एनर्जीज पे विश्वास करता हूँ कि कई बार आपको फील होता है कि कहीं पे, जैसे मैं घर शिफ्ट हो रहा होता हूँ तो उनकी एनर्जीज देख रहा होता हूँ कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है या सही है. आई डोंट नो इफ दैट गिव्स यू एन आंसर बट थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कहाँ पॉजिटिव एनर्जी है, कहाँ नेगेटिव एनर्जी है. तो उसी को मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक एंजल और डेविल वाले जोन में लेके चला जाता हूँ. Hello. Hi Karthik, Preeti here from first. Experience? Wait. हाँ. अबे ग्वालियर से हूँ तो वहाँ भूत होते हैं. ग्वालियर छोटा शहर है, थोड़ा कुछ होगा वहाँ. नहीं नहीं ऐसा कहानियाँ बहुत होती हैं क्योंकि वहाँ पे वो फोर्ट है. फोर्ट में कुछ ऐसे बोलते हैं कि आत्माएं, प्रेत. हाँ बट उसमें कोई बिलीव नहीं करते थे हम बचपन से. यू आर फ्रॉम आगरा? ताजमहल के बारे में? भाई मुमताज दिखनी चाहिए ना आपको. तो क्या क्या खा रहा है तू? क्या हो गया? आइए नेक्स्ट जी. हाय कार्तिक, हेलो. हाय हेलो. Preeti here from First India Filmy. Trailer is a very promising. Janna, yeah. What was the best part during shooting? What was for you? Yeah. Best part. और इस कभी-कभी strengthful होता है. भूल